हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये जो मेरा लास्ट व्लॉग था ना, जहाँ मैंने एंड किया था, वहीं से स्टार्टिंग है। ये मम्मी के घर से मैं खाना लाई थी, तो वही गरम कर रही थी। अपने हस्बैंड को खाना गरम करके दे रही थी। मम्मी पापा खाना, मैं चाहे कितनी रात क्यों आऊँ और कितनी जल्दी आऊँ, वो खाना दिए बगैर तो मुझे भेजते ही नहीं है। तो बस ये लग गई उनकी थाली। दोपहर बिरयानी बनाई थी और शाम को ये सब्ज़ी बनाई थी। नोनू काफ़ी दिन बाद अपने पापा से मिला था ना, तो बस पापा के साथ खेलना था उसको अपने। और बर्तन तो मैंने पहले धो ही लिए थे, सारे बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके सफाई करके बैठ गई थी। लेकिन ये दूध का भगोना था ना, वो दूध का भगोना ना जला दिया था इन्होंने, चाय वाय बना ली होगी उसके अंदर, तो बस वही मैंने भिगो के रख दिया था। बाकी इन्होंने फिर जो खाना खाया उसके बर्तन हो गए थे, और जो मम्मी के यहाँ से मैं डब्बे वगैरह में खाना लेकर आई थी, वो वाले बर्तन हो गए थे। बर्तन ही बर्तन, सबसे फेवरेट काम मेरा बर्तन धोने का। और ये मेरे अंदर आदत है हर जगह की बार बार सफाई करना, मतलब साफ़ करती रहूँगी। मुझे पता है यहाँ बर्तन धुलने पानी होगा, साबुन गिरेगा, लेकिन फिर भी बार बार पानी डाल डाल के हाथ से साफ़ करती रहूँगी। और ऐसी खाना बनाते टाइम होता है मेरे साथ, अगर स्लेब पे कुछ एक ज़रा सा कुछ दाग भी गिर जाएगा ना, बस साफ़ करने वाली साफ़ी लूँगी और बस उसको मारने लग जाऊँगी। ये देखो चावल बनाए थे हमारे, उन्होंने पूरे के पूरे जला दिए थे, काला कर दिया था कुकर मेरा। फिर मैंने इसको भी पानी डाल के ना भिगो के रख दिया था, 2 घंटे भिगो के रखा तो अच्छे से फूल गया था। फिर आसानी हो गई थी मेरे को धोने के लिए। पूरी मतलब पीले वाले चावल, मुझे ऐसा लग रहा था चावलों में हल्दी कम थी और कुकर में ज़्यादा थी। आगे पीछे अंदर बाहर हर जगह पूरा कुकर पीला पीला हो रखा था। बस मेरे बर्तन धुल गए थे, तो फिर जो मतलब जिन बर्तनों से भी धोती हूँ ना, वो भी अच्छे से धो धो के उस डब्बे में करके रख दिया। और सिंक वगैरह अपनी साफ़ कर ली थी, उसी से ही सिंक भी धो देती हूँ। अगर एक बर्तन भी होगा ना, तो भी सिंक धोनी धोनी है। बस उनके बाद उन्होंने कहा कि कुछ फ्रूट रखा हो तो दे दे, तो बस ये घर पे कीवी रखी हुई थी, मैं उनका दे देती हूँ। चलो ये नेक्स्ट डे मुझे छोले बनाने थे, तो मैं बस, मेरे को तो अपने छोले या राजू बनाने पे भी ना हंसी आती है। सिर्फ 2 मुट्ठी, ये मतलब अगर मैं काउंट करूँ ना, तो 25 या 30 दाने होंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा छोलों के। तो बस मैं छोले 2-3 बार पानी से धो के, अब फिर ये तीसरी बार मैंने भिगो दिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, ये मेरे कुकर और भगोने ना बर्तन के स्टैंड के ऊपर रखे रहते हैं, तो मुझे स्टूल लगा के ऊपर चढ़ के उतारना पड़ता है। ये मैं नीचे से दूध अंडे ये सब चीज़ें लेकर आई थी, तो बस वही गर्म कर रही थी। कैची से काटा, वो दूध ही गिर गया मेरे हाथ से। पता नहीं मेरा दिमाग आजकल कहाँ है, ध्यान ही नहीं रहता किसी भी चीज़ का। बस जल्दी जल्दी काम कर लो, नोनू उठ जाएगा, जल्दी काम कर लो, नोनू उठ जाएगा, बस दिमाग में यही चलता रहता है। बस दोनों थैली फाड़ के मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। ये अंडे नोनू के लिए बॉयल करूँगी मैं, पहले वॉश कर लूँगी फिर बॉयल करूँगी। लोटे में देखूँगी पानी नहीं है, फिर मग्गे में लूँगी। हमारे यहाँ पे ना मतलब ये लोटा और ये मग्घा हम लोग पीने के खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब वो देख रहे हो ना ऊपर ब्लू वाला, एक वो ब्लू, एक ये पिंक और वो लोटा। मैं मोस्टली ना मैं ये खाने में ही यूज़ करती हूँ। ये मैं भर के भी रखती हूँ ना, तो मेरे खाने में ही यूज़ होता है, या तो सब्ज़ी चावल धोने में या उनको डालने में। ये मैं मट्ठी लेकर आई थी आज अपने लिए, चाय के साथ खाऊंगी, वही दिखा रही थी आपको। मतलब 1 रुपए वाली यार, इतनी क्रिस्पी और इतनी क्रंची रहती है ना, मेरे को तो मज़ा आ जाता है। 2 वाली 3 वाली भी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये अच्छी लगती है। ये मैडम जी ने उठा लिया अपना पुचारा, अब मारेंगी स्लेब पे। बस यही काम है मेरा, और कुछ काम तो है नहीं करने के लिए। अंडे बॉयल हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो नोनू को मैं अंडे दे देती हूँ छील कर। तो बस ये हमारे नोनू मियाँ के लिए अंडे हो गए हैं रेडी। यार मुझे ना अंडे छीलने नहीं आते ढंग से, पता नहीं क्यों, कभी साइड में से ख़राब हो जाएगा, कभी इस साइड से ख़राब हो जाएगा। तो बस ये मैं कट करके इसमें ना चाट मसाला, मतलब कभी नमक डाल दूँगी, कभी पिसा गरम मसाला डाल दूँगी, तो या फिर कभी चाट मसाला। तो आज मैं ना चाट मसाला डाल कर दे रही थी उसको, तो बस ये खा रहा था आज। मतलब ये सब काम होने के बाद मौसम आंधी तूफान वाला मौसम था। खैर बारिश तो नहीं आई थी, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही थी, एकदम आंधी तूफान। क्या खाओगे? अंडा।
अंडा खाओगे? अंडा थोड़ी होता है, एग होता है, एग होता है, एग होता है, अंडा खाओगे? चलो खिलाओ। कहाँ है एग? कहाँ है ये एग है? फिर ये ऊपर आ गया था, मैंने इसको खेल खेल में अंडे तो खिला दिए थे। वैसे तो कुछ भी नहीं खाता, बस मुझे कुछ ना कुछ इसके साथ एक्टिविटी करनी होती है, कुछ खेलना होता है इसके साथ, उल्टा सीधा बोलना होता है जब ये खाता है कुछ ना कुछ। बस ये हमारे घर के बच्चे खेल रहे थे, तो देखो जो बॉल से वो बच्चा खेलेगा वही बॉल इसको चाहिए, उसको रोएगा, उसको चिपटेगा, दे दो दे दो दे दो। तो फिर वो बैट बॉल खेलने के बाद बच्चे ये कबड्डी शबड्डी होती है ना, बस वही खेलने लग गए थे सारे बच्चे। मौसम अच्छा हो रहा था, फिर मैं नीचे आ गई थी थोड़े टाइम बाद, एक डेढ़ घंटे बाद। तो नोनू के लिए मैंने सोचा कि अब ये पोटैटो फ्राई कर देती हूँ, तो बस इसमें मैंने चिप्स आलू के काट लिए थे, उसमें कलर डाल के आरारोट डाल के इसको मैं फ्राई कर दूँगी, एक एक करके डालूँगी उसको। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे छोले। छोले की रेसिपी तो यार सबको ही आती है, इसीलिए बस जल्दी हाथ चल रहे थे। वो नोनू की वीडियो बहुत कोशिश करी उसके नाखून काटने की आदत छुटाने की, लेकिन नहीं छूटती उसकी वो आदत। कुछ बनाने जा रही थी, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या बन रहा था। ये मैंने ना घी निकाला हुआ था, उसके बाद जो वो नीचे का बच जाता है ना वो था, मैंने पहले दूध गर्म करा उसमें वो चीज़ डाल के उसको अच्छे से उबाल लिया था, उसका ऐसा टेक्सचर जब तक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसमें वो चीनी डाल दी थी। दूसरी साइड मेरा छोले का मसाला बन रहा है, लेकिन यार कसम से ये कभी भी मत बनाना, मैंने यूट्यूब से ही देखा था, इतना बुरा बना था ना मेरी मेहनत भी बेकार चली गई थी। तो बस मैं इसको जब ये हो गया था ना, तो मैं इसको बर्फ़ी की तरह काटने के लिए ना एक थाली में सेट कर रही थी, छोटा बर्तन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था इसीलिए। लेकिन प्लीज़ यार मत बनाना ये, कभी भी मत बनाना यूट्यूब पे देख के बहुत बुरा था जो भी था ये।
पे मेरे छोले ये फाइनली रेडी हो गए थे, तो बस इसमें मैं गरम मसाला डाल रही थी और हो गया। अब उसको दोबारा दूसरे चूल्हे पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे मैं चावल बना रही थी ज़ीरा राइस। हाँ, मैं मुझे और इनको भी, हम दोनों को ना ज़ीरा राइस ही पसंद है, चाहे छोले हो, राजमा हो, दाल हो, कढ़ी हो, मतलब इन सब चीज़ों के साथ ना हम लोग ज़ीरा राइस ही खाते हैं। तो बस उस साइड मेरा छोले रेडी हो गए थे, इधर मैं अपना कुकर में नमक शमक डाल के चावल डाल के इसको चला रही थी। फिर मैं इसमें पानी डाल के ना जितना मुझे चाहिए था उतना पानी डाल के इसको सीटी लगा दूँगी। इसमें ना मैं कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, तो दोबारा इस साइड रख कर मैं इसको कसूरी मेथी को ना अच्छे से हाथ से रगड़ कर और इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी। तो बस ये हमारा खाना रेडी हो गया। मैं वही दिखा रही थी अपना लास्ट लुक अपने खाने का, बस धनिया नहीं था यार, धनिया की कमी थी खाने में। धनिया होता तो और चार चांद लग जाते इस खाने में। दोनों के लिए मैंने खाना उतार लिया था, छोलों में मिर्ची थी तो मैं उसको बस सिंपल से चावल और उसमें घी डाल कर दूँगी। फिर बस मैं उसको लेकर बैठी अपनी गोद में और खाना खिला रही थी उसको, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोल के, कौन सी स्टोरी या सुना कर, बस किसी तरीके से खा ले खाना, किसी तरीके से खा ले, बस मेरी दुनिया तो इसके आगे पीछे ही है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, हमेशा दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे।